हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं। और बस आज अलमारी की सफाई कर रहे हैं, ये वो है बच्चों के अलमारी और हस्बैंड की, तो बस उसमें कपड़े बहुत फैले हुए थे और जो छोटा बेटा था वो शिमला से आया हुआ था तो उसके भी कपड़े थे, तो सब धो के अलमारी में रखा गए थे, तो बस इसी तरह पड़े हुए थे, तो सोचा जो खाली सूटकेस पड़ा है तो उसके अंदर रख देते हैं। तो बस यही तैयारी चल रही थी समेटने की, और हो ये रहा है कि जो कपड़े धुल रहे हैं वो वैसे ही रखे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं आना आना जाना कहीं भी नहीं हो रहा है। जो ज़रूरत पड़ती है प्रेस के लिए से तो बस उसे ही प्रेस कर रहे हैं और पहन रहे हैं, तो न क्योंकि प्रेस वाले भी नहीं आ रहे हैं, सब बंद है। होता ये है कि जो अलमारी होती बच्चों की, तो वो तो होता ही है कि चार दिन नहीं होते आप जमाएंगे फिर वैसी की वैसी कर देते, क्योंकि बच्चे एक कपड़ा खींचते हैं तो दूसरा कपड़ा ख़राब हो जाता है, जो रखा जाता है वो पूरा फैल जाता है, तो बस इस तरह से फिर करते ही रहना होता हमेशा, तो बस वही करने बैठे हैं। तो समेटता जा रहा है, वो एक सूटकेस में रख देंगे जो सब बाहर ही पड़ा हुआ है, वो सूटकेस भी ये सिर्फ इस दोनों खाने हैं जो ऊपर नीचे दिख रहे हैं, तो ये बच्चों के हैं, बाहर पहनने वाले कपड़े हैं इसमें। घर में पहनने के कपड़े जो साइड में दिख रहा है, ये टीवी स्टैंड था पुराना, तो बस इसके खाने हैं, उसमें रखे जाते हैं बच्चों के कपड़े घर में पहनने के, और ये बाहर के हैं। और ऊपर के अलमारी में जो खाना है तो उसमें इनकी शलवार कमीज, हस्बैंड का शलवार कमीज है, कोट है, पैंट शर्ट है, ये रहता है इस तरह से। तो बस जम गई अलमारी, अब देखिए कितने दिन इस तरह से रहती है। ये बच्चों का बेड है और इसका जो लिहाफ था ओढ़ने का, तो वो तो उठा के रख दिया जाता है फौरन, लेकिन होता ये है कि जो बेड शीट होती है वो समेट नहीं पाते, वो बाद में झटक के समेटते हैं, तो बस वही करने कमरे में आए थे। और ये जो चादर है उसके ठीक कर रहे हैं। और होता ये है कि जब रमज़ान होते हैं तो काफ़ी काम हो जाता है, बहुत जो रूटीन होता है वो बहुत डिस्टर्ब होता है, आगे पीछे होता है काम, जो पहले का होता है वो सब चीज़ें नहीं हो पाती है, तो बस इस तरह से चल रहा है। रात को देर से सोना और फिर रात में फिर 3 बजे सहरी के लिए उठना, फिर सुबह 6, 5:30, 6 बजे नमाज़ पढ़ने के बाद जब सोते हैं तो सुबह फिर जल्दी ही उठना पड़ता है 9, 9:30 तक के, क्योंकि बाई 10, 10:30 बजे तक आ जाती है, तो उसको सब सामान समेट के देना होता है, तो बस इसलिए सब चीज़ें होती है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा सो भी नहीं पाते हैं। और फिर दिन में तो सोते भी नहीं हैं, क्योंकि होता ये है कि आप इधर काम करके बाई जाती है, नहाना धोना समेटना रखना, फिर उसके बाद नमाज, फिर नमाज पढ़े कुरान पढ़े, फिर उसके बाद में होता ऐसा है कि फिर उसके बाद में आप किचन में जाते हैं क्योंकि खाना बनाना होता है, इफ्तार की तैयारी करना होता है, तो पूरा दिन चला जाता है। हाँ, ये होता है कि उसके बाद जब रोज़ा खोलने के बाद में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कि आप कुछ भी काम करें, तो इसलिए हम सारा काम पहले कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जब रोज़ा खोलने के बाद की जब कॉफ़ी होती है तो वो छोटे बेटे की ज़िम्मेदारी है, वो ही बना के पिलाता है हमेशा से उसकी, वो ही उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है करने का, तो बस वो ही करता है। हमारे यहाँ जो काम के लिए से भारतीय बाइक है या मासिक है वो आती थी, तो वो आना बंद कर दिए। हुआ ये थे कि अचानक से उसने बोला कि दीदी मैं नहीं कर पाऊँगी काम, क्योंकि सारा घर छोड़ रही हूँ, सब घर का काम, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, वो प्रेग्नेंट है इसी वजह से। तो हमने कहा ठीक है, मजबूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो अभी जब तक के तो काम कर दो, क्योंकि हमको तो मुश्किल हो जाएगी फिर अकेले ऐसे में कैसा होगा, रमज़ान भी चल रहे हैं, काम बहुत हो जाता है। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, फिर उसने ला के भी दी, लेकिन वो सही नहीं रही, वो नहीं करी काम, फिर दूसरी को लगाई, तो इस तरह से जो अभी कर रही है वो अच्छी है। तो बस इस तरह से मुश्किल हो जाता अगर वो काम के लिए नहीं मिल पाती, तो अचानक से ऐसा छोड़ देना तो बहुत मुश्किल का काम होता है। बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं रमज़ान में, फिर काम भी बहुत एक्स्ट्रा होते हैं, तो बस इस तरह से चल रहा है।
डेली का काम भी होता है जो काफ़ी काम हो जाते हैं, आप चाहे रोज़ा रखें या ना रखें तो भी आपको इतना काम होता है कि सुबह से लेके शाम तक के तो बस पूरा चक्री की तरह काम करना होता है। आपके पास मेड होती है तो भी आपको काम तो बहुत होता है, घर की जिम्मेदारी बहुत रहती है लेडीज़ पे। तो और अगर जब आपके यहाँ बेटियाँ ना हो तो वो भी और ज़्यादा मुश्किल का हो जाता है। अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह से मेरे दो बेटे हैं, तो वो भी ऐसा है कि बेटे हैं, अगर बेटियाँ होती उसमें से एक भी बेटी होती तो कुछ तो हेल्प होता हमें, तो बस तो अकेले ही करना है जो भी काम करना है। और सफाई करने में भी ऐसा होता है कि अभी आजकल रोज़ आंधी आ रही है और रोज़ मौसम बहुत ख़राब हो जाता है, इससे घर में भी काफ़ी धूल हो जाती है, तो बस डबल काम हो जाता है। आप सुबह सफाई करें शाम में फिर धूल जम जाती है, तो ये सब चीज़ें करना ही होता है। फिर गंदगी अच्छी भी नहीं लगती कि आप कहीं हाथ लगा रहे हैं, कुछ चीज़ छू रहे हैं तो उसमें डस्ट हो। कपड़े भी धोना था, मशीन लगाना था, तो इधर एक तरफ मशीन भी लगा के आ गए हैं अभी हम, कि कपड़े भी धुलते जाएंगे, इधर सफाई होते जा रही है उधर कपड़े भी धुल जाएंगे। रमज़ान के टाइम से सोचा था कि चलो भाई से भी कहेंगे कि चलें कपड़ा धो दिया करें, क्योंकि हमारे पास अभी फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं है तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है मशीन में, तो लेकिन उसे टाइम नहीं था तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो वो भी अभी काम हो जाता है। तो काफ़ी कपड़े भी काफ़ी हो जाते हैं माशाल्लाह से, चारों के कपड़े होते हैं। अल्लाह का शुक्र है सब काम हो जाता है, बस सेहत है तो सब कुछ है। इस तरह काम करते करते कब दिन चला जाता है कुछ पता भी नहीं चलता है, और अच्छा भी रहता है, हाथ पैर चलते हैं, तो बस यही ज़रूरी है। अब देखिए खाना बनाने के लिए किचन में आ गए हैं, और बन रही है आज कढ़ी और भाजी, चौलाई भाजी। तो बस ये देखिए ये भजिया तल रहे हैं और साइड में कढ़ी के लिए से बॉईल हो रहा है, और साइड में जो रखा हुआ है तो उसमें भाजी बघा देंगे। और सब टाइम देख के, घड़ी देख के चलना पड़ता है, तब काम सब टाइम से होता है, वरना आप भागा दौड़ी करते ही तक के पूरा अफ्तार तक के भागा दौड़ी होते रहती है। आप दस्तरखान पे बैठेंगे और आप ये होगा कि अरे अभी तो टाइम का पता ही नहीं चल पाया, ये नहीं हो पाया, आप बैठ ही नहीं पाए, दुआ नहीं मांग पाए। इसलिए सुकून से करने के लिए आप हर काम पहले से कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस हम यही करते हैं, रमज़ान में इतने काम होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को इतना ताकत, इतने एनर्जी दे देता है कि वो इतना काम करने के बाद भी नहीं थकता। इतना खाली पेट होने के बाद में वो रोज़ा, नमाज, खाना, इफ्तार, सहरी पूरा काम करता है, ना नींद हो पाती है, फिर भी वो फिट रहता है। ये अल्लाह का शुक्र है, और बरकतों वाला महीना होता है, हर बरकत होती है घरों में। और रमज़ान ऐसे 25वां रोज़ा हो गया, आज पता भी नहीं चला कि कैसे बीत गए। बस ये अफसोस होता है कि रमज़ान जाने के बाद बहुत ख़राब लगता है, तो बस अल्लाह ताला हमें अगले साल भी नसीब करे, आमीन। अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोगों के यहाँ तो मार्केट बंद है, तो हम लोग ने कोई ख़रीदी नहीं करे रमज़ान की, ईद की, और कोई शॉपिंग नहीं हुई। हम लोग शिमला गए थे अभी 1 महीने हुआ, तो हम लोग ने काफ़ी ख़रीदी कर ली थी, तो वही रखे हुए हैं, उसी में से पहन लेंगे, क्योंकि सारे मार्केट बंद है, ना कोई कपड़े की दुकान खुली है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल कर लेंगे और ख़रीद लेंगे। चलिए खाना भी बन चुका है, बस अब रोटी डालने का है और चावल बनाने का है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो ऐसा है कि चावल, रोटी, सब्ज़ी, दाल सब कुछ बनता है, ये नहीं कि सब्ज़ी और रोटी बना ले, नहीं हो पाता है, सब चीज़ खाते हैं। तो बस इसी तरह अब ये कढ़ी को बघार लेंगे। बस असर की अज़ान का टाइम हो चुका है और अब हम नमाज़ पढ़ के फिर किचन में आएंगे और फिर अफ्तार की तैयारी करेंगे, जो भी है बनाना है, थोड़ा बहुत ही बनाना है आज। तो बस इस तरह से कंप्लीट हो चुका है खाना। ये देखिए कढ़ी है बन चुकी,
और ये भाजी भी बन चुकी। और जो न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।